आपका स्वागत है अपना YouTube चैनल मैथ मंत्रा पर। आज हम लोग क्यूज सेक्शन का 15 करेंगे, मैथ का क्यूज 15 करेंगे। इससे पहले हम लोग 13-14 सब मिलाकर कर चुके हैं। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े जल्द से जल्द जुड़िए, और हम लोग इस सेक्शन में एक से बढ़कर एक प्रीवियस क्वेश्चन का मैथ का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए और ये जुड़कर ये देखिए कि क्वेश्चन क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर पहला है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया, यदि एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक्स एक वास्तविक संख्या है और एक्स का पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स का पावर 4 बराबर 119 हो, तो एक्स माइनस 1 बटा एक्स का मान क्या होगा। जो जो लोग भी जुड़े हैं जल्द से जल्द इसको देखिए और बनाइए। जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़िए। हम लोग इस सेक्शन में MTS का जितने प्रीवियस क्वेश्चन होगा वो सब चैप्टर बाय चैप्टर हर एक क्यूज में रोज़ का रोज़ करते रहेंगे इसी टाइम पर। तो आप लोग का दिया हुआ है पहला नंबर में कि एक्स का पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स का पावर 4 बराबर 119 है, 119 है। तो पूछ रहा है तो एक्स माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। जो जो लोग भी जुड़े हैं जल्द से जल्द इसको बनाइए और इसको क्यू सेक्शन का कमेंट में अपने आंसर दीजिए कि आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि ये दोनों में से हम स्क्वायर में तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा होल स्क्वायर में, इसमें से जो माइनस निकलेगा बाहर तो मेरे पास यानी कितना का वैल्यू -2 का वैल्यू बराबर 119 हो जाएगा, ठीक है। तब मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 121, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, तो जब हमारे पास ये वाला आ जाएगा तो फिर हम इसको माइनस अगर स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे अंडर रूट का रूप लेगा तब मेरे पास हो जाएगा एक्स प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू बराबर हो जाएगा 11। इतना का वैल्यू मेरे पास प्राप्त हो गया 11। फिर क्या करेंगे, फिर इसको स्क्वायर बाहर तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटा एक्स, इसको माइनस में यानी कि प्लस है एक्स स्क्वायर, इसको माइनस में थोड़ा जाए यानी कि एक्स माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर के वैल्यू बराबर, तो मेरे पास ये जो निकलेगा माइनस के रूप में निकलेगा तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस में हो जाएगा 2 और तब वैल्यू बराबर हो जाएगा 11, हो जाएगा एक्स माइनस 1 बटा एक्स का स्क्वायर का वैल्यू बराबर हो जाएगा 9, ठीक है। तब मेरे पास प्रश्न में ये वाला स्क्वायर जाएगा इधर तो अंडर रूट का रूप लेगा तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 बटा एक्स का अंडर रूट हो जाएगा 9, तब हो जाएगा एक्स माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू बराबर प्लस माइनस 3, यानी कि इतना ही के वैल्यू मेरे पास पूछ रहा था। तो आप लोग ऑप्शन में दिया हुआ है एक प्लस माइनस में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का सी। जो जो अपना बनाए थे अपने आंसर को मिलाइएगा, अपना कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को दीजिएगा। एक से बढ़कर एक जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ होगा MTS से जुड़ा हुआ, जितना भी NTB से जुड़ा हुआ सब लोग सबका क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग देखिए और बनाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग के स्क्रीन पर है। प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी रचना के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर प्रकाशक को 20% का लाभ होता है, यानी कि प्रकाशक को 20% का लाभ मिलता है, तो वही छूट 15% तक बढ़ा दिया जाए तो प्रकाशक को कितना प्रतिशत का लाभ मिलेगा। यानी कि जो पहले 10% का छूट दिया जाता था अब वही छूट 15% का दिया जाए तो प्रकाशक का कितना लाभ मिलेगा। क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर है, देखिए और जल्द से जल्द बनाइए। क्वेश्चन नंबर में था कि कोई अंकित मूल्य था नहीं पता था, क्रय मूल्य था नहीं पता था, लेकिन जब इस पर हम 20% अधिक लेकर रखे थे, जब अंकित मूल्य पर हम 10% का छूट देते थे तो हमको लाभ 20% का होता था। अंकित मूल्य कितना रखा गया था ये हमको पता नहीं है, तो अंकित मूल्य को हम लोग अंकित मूल्य मान लेते हैं, माना कि अंकित मूल्य ही था। अंकित मूल्य पर 10% का छूट देंगे तो 90/100 करेंगे,
ठीक है। फिर किसी भी व्यक्ति का लाभ या हानि होता है, कोई भी व्यक्ति का लाभ या हानि होता है तो उसका होता है क्रयमूल पर। तो यानी कि जितना भी लाभ हुआ होगा तो उस व्यक्ति को क्रयमूल पर हुआ होगा। यहाँ से ये कट जाएगा तो मेरे पास पता चल गया कि अंकित मूल्य और इसके बाटा में हम लोग करें मूल्य करा जाएंगे। तो मेरे पास ये पता चल गया कि अंकित मूल्य था 12 रुपया और ये इस पर रखा गया था 3 रुपया, नहीं तो 4/3 कर देंगे, ठीक है। यानी कि 4 रुपया रखा गया था, 3 रुपये में खरीदा गया था, कितना बढ़ा कर रखा गया था तो 1 रुपये बढ़ा कर रखा था। कोई भी वस्तु को 3 रुपये में खरीदा गया था, 4 रुपये उस पर रखा गया था। अब कह रहा है कि यही दुकानदार अगर छूट बढ़ा दे, यानी कि नया विक्रय मूल्य का वैल्यू बराबर, यानी नया विक्रय मूल्य का वैल्यू बराबर 4 रुपया इस पर है और वही देने लगे 15% के छूट पर, ठीक है। यानी कि पहले जो देता था 10% का छूट देता था, लेकिन अब ये नया जो विक्रय मूल्य कह रहा है कि यदि अपना छूट 15% तक बढ़ा दे तो ये हो जाएगा 17/85, ये हो जाएगा 20/25, ये हो जाएगा 5×20 हो जाएगा 17/5। यानी कि इसके हिसाब से मेरा नया विक्रय मूल्य हो गया 17/5। तो लाभ निकाल सकते हैं क्या कि लाभ मेरे पास रुपया में कितना हो सकता है। तो अब हमारा वस्तु 3 रुपये का खरीदा गया था लेकिन बेचा जा रहा है 17/5 रुपये में, 17/5 - 3, ठीक है। तो लाभ का वैल्यू जो निकला है तो 5 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, बराबर 2/5 रुपये लाभ निकला, ठीक है। यानी कि अब प्रश्न में कह रहा है कि इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ यानी कि 2/5 लाभ बट्टा में करें मूल और तब हो जाएगा गुने में 100। ये मेरे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/25 यानी कि 20 × 2 = 40, 40/3 और नहीं तो इसको 13.1/3%, ठीक है। आप लोग ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, जो लोग बनाए थे अपने अपने आंसर को मैच कराइएगा। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े जल्द से जल्द जुड़िए और एक से बढ़कर एक क्यू सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, जिसका ऑप्शन अपना मिला लीजिएगा, जिसका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा होगा अपना ऑप्शन को मिलाइएगा और देखिएगा कहां पर आप लोग गलती कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर तीन आप लोग स्क्रीन पर है, जो लोग देख रहे हैं जल्द से जल्द इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर तीन में कह रहा है कि यदि 12 पुरुष या 18 स्त्री एक खेत की कटाई 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी गति से काम करते हुए, यानी कि जितना गति से पहला बार आदमी काम कर रहे थे उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे, यानी उसी खेत का कटाई कितने दिन में करेंगे, ठीक है। जल्द से जल्द इसको देखिए और बनाइए। जो लोग हुए जुड़े हुए हैं जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। प्रश्न में था कि 12 पुरुष या 18 महिलाएं, यानी कि 12 पुरुष, पुरुष को हम लोग एम से आ करते हैं और महिलाओं को हम लोग डब्लू से कर रहे हैं, यानी कि एम मतलब मैन और डब्लू मतलब औरत। तो जब मेरे पास 12 पुरुष या 18 महिलाएं काम करने आती है तो ई लोग भी किसी का मुँह को 14 दिन में और नहीं तो ई लोग भी किसी का मुँह को 14 दिन में, ठीक है। यानी कि ये 14 से 14 कटेगा, ये 36 18, 6 × 12 यानी कि एम बटा डब्लू का वैल्यू बराबर हो जाएगा 3/2। इसके हिसाब से मेरे पास पता चल गया कि जब भी काम करने के लिए एक आदमी आएगा तो एक दिन में 3 करेगा और एक औरत आएगी तो एक दिन में 2 करेगी। इस हिसाब से मेरे पास कुल काम निकल जाएगा क्या कि ये दोनों जो काम करने के लिए आ रहे थे, तो कुल काम कितना था तो कुल काम हो जाएगा तो मेरे पास 12 × 3 × 14। अब प्रश्न में बता रहा है तो बताइए कि इसी काम को उसी गति से करते हुए 8 पुरुष 8 मैन आप प्लस 16 वोमेन करेंगे तो कितना दिन में करेंगे। तो हमको पता चल गया कि कुल काम मेरे पास इतना है तो 8 एक आदमी करेगा तो 3 और जबकि एक औरत करेगी तो 2, तो मेरे पास हो जाएगा ये 24 और ये हो जाएगा 32, तो हो जाएगा 52। जब इस प्रकार से लोग झुंड बनाकर आएंगे तो एक दिन में 52 काम करेंगे और मेरे पास काम करना था कुल काम था इतना 52 किलो काम करेंगे। तो अब प्रश्न में कह रहा है
तो प्रश्न में कह रहे हैं कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो कितना दिन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो हो जाएगा दो दुनी के चार, आठ दुनी के ये 28 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, फिर ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, हो जाएगा 3×3=9 दिन में। यानी कि ये लोग जब झुंड बना कर आएंगे और उसी काम को करने के लिए आएंगे तो 16 दिन में समाप्त करेंगे। आप लोग का ऑप्शन है 16 दिन में समाप्त करेंगे, आप लोग का ऑप्शन है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग स्क्रीन पर देखिए और इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि, कितना राशि निकाला था नहीं पता है, लेकिन प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर से आशीष को उधार दे दिया और 12 वर्ष के बाद 960 रुपया का लाभ होता है, तो उसमें से मूल राशि क्या था। यानी कि वो जो बैंक से राशि निकाला था, तो यानी कि बैंक से जो राशि निकाला था तो मूलधन कितना था। ठीक है, देखिए और बनाइए। तो प्रश्न के हिसाब से अगर वो प्रभात जब बैंक से पैसा निकाला था तो ये एग्रीमेंट करके निकाला था कि साधारण ब्याज के दौर पर हम लोग पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज पे निकाल रहा है, तो साधारण ब्याज पे निकाल भी रहा है और साधारण ब्याज पर यही पैसों को दे भी रहा है। तो हमारे पास SI1 और SI2 और ये भी ले रहा था किसी से तो 12 वर्ष के लिए और दे भी रहा था तो 12 वर्ष के लिए। ठीक है, लेकिन जिससे लिया था उससे 8% की दर से जिसको दे रहा था उसको 12% की दर से। ठीक है, क्या किया, यहाँ से पैसा निकाला था और यहाँ डाल दिया था, तो जो इसको ब्याज देना था, जो साधारण ब्याज देना था 96% देना था और लेना था उससे 144% का। यानी कि पूरा लेन देन में उसे 960 रुपया का लाभ होता है 12 वर्ष के बाद, पूरे लेन देन में 960 रुपया का लाभ होता है। तो इस हिसाब से 144 रुपया में ले रहा है और लिया है 96% की दर से साधारण ब्याज की दर से और दिया है 144, तो लाभ कितना का कमा रहा है, तो ये बीचे बीच लाभ कमा रहा है 48%। यानी कि साधारण ब्याज इस पर की ज्यादा कितना मिल रहा है 48%, इसी का वैल्यू बराबर मिल रहा है 960 रुपया, बोला जाए ना, तो 1% का वैल्यू बराबर मेरा हो जाएगा 20। और कोई भी धन, कोई भी मूलधन, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 20×100 बराबर हो जाएगा 2000। यानी कि वो जो प्रभात जो बैंक से पैसा निकाला था 2000 रुपया निकाला था, वही 2000 रुपया यानी कि आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, निकाला था 2000 रुपया और जाकर किसी को दे दिया था वही 2000 रुपया, पूरे लेन देन में उसे 960 रुपया का लाभ होता है। ठीक है, अपने आंसर को मैच कराइए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच आप लोग स्क्रीन पर है, देखिए और बनाइए। क्वेश्चन नंबर पाँच आप लोग का स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। यानी कि टोटल प्रक्रिया हो गया 3 बार, 2 बार और दोहराई जाती है, तो बर्तन में शेष दूध की मात्रा क्या होगा। ठीक है, प्रश्न को देखा जाए ना, 80 लीटर दूध था, एक आदमी का किया 8 लीटर निकाला तो बच गया 72 लीटर, और ऊपर से 8 लीटर पानी मिला देता है कि जब हम निकाले थे जिसका दूध था उसको पता चले कि 80 लीटर दूध था और फिर हम 8 लीटर पानी मिला दिए, तो मिश्रण जो 80 लीटर का ना बचा, लेकिन एक बार में निकाला गया दूध का मात्रा, इसमें जो बचा हुआ है दूध, तो दूध बचा है 9/10 ना बचा होगा,
इसके हिसाब से, इसके हिसाब से 80 लीटर पहलका बार दूध था तो एक बार निकाला तो 9/10, दूसरका बार निकाला तो 9/10, तीसरका बार निकाला तो 9/10, यानी कि एक बार निकालने के बाद यह प्रक्रिया दो बार और दोहराई जाती है, यानी कि इससे ये हो गया तो हो जाएगा 8 और 9 का हो जाएगा 729/100। ठीक है, अब इसका गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 × 9 = 72, 2 × 7 = 8, 2 × 16 = 16, 7 = 23, फिर 2 × 56 = 58/2, सॉरी बटा में 100 हो जाएगा 58.32 लीटर। यानी कि उसमें जो दूध बचा था उस दूध में शेष मात्रा दूध का कितना था, शुद्ध दूध का मात्रा था 58.32। आप लोग का आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, जो जो लोग बना रहे हैं जल्द से जल्द इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग स्क्रीन पर है, देखिए और बनाइए। बाबू रे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और एक समय लिमिट के अनुसार हम लोग इसको बनाने का कोशिश करेंगे, जितना जल्दी से जल्दी हो सके बनाकर इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्योंकि हम लोग एक एग्जाम के व्यू से, एक सेट प्रैक्टिस के व्यू से टोटल मैथ को बनाएंगे और एक समय के अनुसार बना बना के इसका जवाब देंगे। तो प्रश्न में कह रहा है, अगला आप लोग का प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर है, कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी कार्य को, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम किए थे, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और उसके स्थान पर सी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद वह कार्य को अगले 4 दिन में पूरा हो जाता है, तो बताइए कि सी अकेला जब इस कार्य को करेगा तो कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए और बनाइए, प्रश्न के हिसाब से ए और बी है। ठीक है, तो प्रश्न में ए करता है तो 20 दिन में और बी करता है तो 15 दिन में। अच्छा, इन लोग के हिसाब से हम लोग ये निकाल सकते हैं क्या कि जो काम ये लोग कर रहे थे तो काम करना कितना था, तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि लोग जो काम करते थे मेरे पास कुल जो काम था 60 करना था। ठीक है, तो पहला बार ये सोच कर चले थे कि जब तक काम समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग करते रहेंगे, तो दोनों ने मिलकर काम कर दिया, और जब भी करेगा तो एक दिन में 3 और ये जब भी करेगा एक दिन में 4, दोनों मिलेंगे तो 7 काम करेंगे, लेकिन प्रश्न के हिसाब से अभी तक दोनों 6 दिन तक ही किए थे तो 6 दिन करेंगे तो 42 को काम कर देंगे। ठीक है, अभी तक ये लोग 6 दिन तक ही काम किए थे, 60 को में से 42 को काम कर दिए थे, अभी 18 को और काम करना बाकी था। ठीक है, 18 को काम करना था कि अब कह रहा है कि बी के स्थान पर सी को लगा दे, बी बोला कि अब हम काम नहीं करेंगे, हो सकता है कि तबीयत खराब होगा चाहे किसी वजह से काम छोड़कर चल जाता है, तो अब क्या किया गया, एक नया व्यक्ति को बुलाया गया जिसका नाम है सी, और सी को बुलाया गया, बोला कि तू और ए दोनों लोग मिलकर हई कामुआ को पूरा कर दो। तो ई जब आया था तो इसका हमको क्षमता पते नहीं है, तो इसका क्षमता मान लेंगे सी जो व्यक्ति आया था इसका क्षमता एक्स है, और बोला गया कि ए और सी तू दोनों मिलकर कामुआ को करो, करेगा तो 3 एक दिन में, हई करेगा तो एक दिन में 4, और इसी प्रकार से करते करते ये लोग टोटल कामों को शेष जितना काम बचा था 4 दिन में काम समाप्त कर दिए थे। तो इसके हिसाब से हमारे पास सी का क्षमता निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू तब हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 34 और प्लस 4x, यानी कि 4x का वैल्यू बराबर हो जाएगा 6 और तब हो जाएगा x का वैल्यू बराबर हो जाएगा 3/2। इसके हिसाब से हमको पता चल गया कि सी जो व्यक्ति काम करने के लिए आया था इसका क्षमता था कि रोज जो काम करेगा 3/2, 3/2। अब कह रहा है तो बताइए कि जब सी जो व्यक्ति था अकेले आता और टोटल जो कमवा है यही कमवा को अकेले करता तो कितना दिन में, तो टोटल मेरे पास काम कितना था, तो टोटल काम था मेरे पास 60 और सी का क्षमता था कि जब भी करेगा तो 3/2 करेगा, तो कमवा जब सी अकेले करेगा तो कितना दिन में कर देगा, तो सी करेगा तो 40 दिन में कर देगा। ठीक है, सी करेगा तो 40 दिन में कर देगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सी। ठीक है, जो जो लोग भी बना रहे थे अपने आंसर को मैच कराइएगा और अगला क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग स्क्रीन पर है, देखिए
और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर और इस क्यू सेक्शन में एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का स्क्रीन पर है 7 नंबर, देखिए और बनाइए। कह रहा है कि यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुना हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। यानी कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी तो ब्याज का दर निकालिए। यानी कि कोई राशि था, इसके हिसाब से हमारे पास कोई राशि था, तो कोई राशि पी था और वह है जो मूलधन था और 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है तो मिश्रधन हो जाता होगा। तो प्रश्न के हिसाब से कोई राशि पी रुपया लगाए थे और 3 गुना हो जाता था। समय कितने समय में, तो समय मेरे पास होता था, समय दिया था 25 वर्षों में, ठीक है। और तब कह रहा है कि दर ज्ञात कीजिए, तो दर का सूत्र होता है एसआई। तो पी जो हम पी रुपया लगाए थे 3P हो गया था, एसआई के रूप में हमको कितना मिला होगा, तो एसआई के रूप में हमको 2P मिला होगा, ठीक है। तब मेरे पास दर बराबर होता है एसआई गुने 100 और बट्टा में पी गुने टी, तो एसआई बराबर 2P, तब हो जाएगा ये 100 और ये हो जाएगा पी, आगुने समय दिया था 25, ये तो पी से पी कटेगा, ये कटेगा 25 चौका 100, बराबर हो जाएगा 8%। यानी कि इसका जो ब्याज का दर था अपने आप में 8% था। आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जो लोग अपने आंसर मिलाए थे दिए थे, अपने आंसर को मिलाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर आठ आप लोग का स्क्रीन पर है, देखिए और बनाइए। यदि अंडर रूट टू एक्स का 5% बराबर 0.01 हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। आप लोग देखिए और बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और आप लोग फालतू का मैसेज इस ग्रुप में ना कीजिएगा, चैट में जब भी मैसेज कीजिएगा अपना बनाइएगा तबे कीजिएगा। और एक तरीका से आप लोग सोचिएगा कि बिना बनाए भी इसमें मत कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है, बिना बनाए इसका अंदाजे पर क्वेश्चन ना दीजिएगा। नहीं बन रहा होगा तो देखिएगा, क्योंकि कुछ ही समय के बाद हम इस क्वेश्चन को हल करवा देंगे। प्रश्न में दिया था कि यदि अंडर रूट टू एक्स का वैल्यू बराबर, यानी कि अंडर रूट टू एक्स का मतलब गुना 5% का वैल्यू बराबर 5/100 का वैल्यू बराबर 0.01 हो तो एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो मेरे पास ये जब दिया हुआ है तो इसको हम कटा सकते हैं, ये कट जाएगा 20 बार में, ठीक है, चाहे ठीक है। और इसका नीचे कर देंगे 100 तो ये कट जाएगा 5 बार में। तो मेरे पास बचा है अंडर रूट 2x का वैल्यू बराबर 1/5 बचा है, ठीक है। तो अंडर रूट 2x में से अंडर रूट उधर लेके जाएंगे तो 2x का वैल्यू बराबर 1/25 हो जाएगा का, क्योंकि अंडर रूट जाएगा तो स्क्वायर का रूप लेगा, तो 1 का स्क्वायर / 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/25। तब x का वैल्यू बराबर है 2 इधर गुना होगा तो हो जाएगा 1/50। और तब हमसे पूछ कर रहा है, तो कह रहा है इसमें कि एक्स का मान ज्ञात करें। तो एक्स का मान ज्ञात करने के इस पर वो 0 बैठाएंगे या 0.05 देकर 0 बैठाएंगे, तब हो जाएगा 50 × 100, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा 0.02। आप लोग ऑप्शन नंबर दिया है ए। जो लोग अपने आंसर दिए थे देखिए और मिलाइए और इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर नौ का क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोग स्क्रीन पर कह रहा है कि ए अपना व्यवसाय 7,000 रुपया से आरम्भ करता है और उसके 5 महीना के बाद बी उसी में भागीदार बन जाता है, उसके उपरांत 1 वर्ष के बाद लाभ का बंटवारा 2:3 में किया जाता है, अतः बी की पूंजी निवेश कितना था। यानी कि बी अपना पूंजी कितना निवेश किया था। आप लोग देखिए और बनाइए,
कुल जो बंटवारा हुआ था पैसा का बंटवारा एक वर्ष के बाद में हुआ था, यानी कि इसके हिसाब से हम लोग को पता चल रहा है कि जो पूंजी में पैसा लगा था, जो व्यापार चला था, टोटल 12 माह तक चला था। तो एक ऐसा व्यक्ति था वो 7000 रुपया लगा कर जुड़ा था और टोटल अंत तक था। क्यों? क्योंकि ए नहीं आरम्भ किया था और एक साल तक व्यापार चलाया था। पाँच महीना जो कि व्यापार खुलने के 5 महीना बाद बी भी कुछ पैसा लगा कर इसी में शामिल हो गया था। तो अब देखिए ना, 5 महीना के बाद शामिल हुआ था, 12 महीना तक रहना था। कितना महीने तक पूंजी लगाया था? ये अपना पूंजी 7 महीने तक लगाया था। और जब बंटवारा होने लगा तो 2:3 के रेशियो में बंटवारा हो रहा है, ठीक है। तो अब प्रश्न में कह रहा है तो बताइए कि बी का पूंजी कितना था, बी का वैल्यू बराबर एक्स। इसके हिसाब से कटाएंगे तो ये कटेगा 1000 में, और इसको कटा देंगे तो ये कटेगा 6 बार में। तो मेरे हिसाब से एक्स का वैल्यू बराबर बचा है 3 × 6 × 1000, तब हमारे पास हो जाएगा 18000 रुपया। यानी कि बी जो अपना पूंजी लगाया था इस व्यापार में, 18000 रुपया लगाकर इस व्यापार में शामिल था। आप लोग को ऑप्शन हो जाएगा सी। आप लोग देखिए और बनाइए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि हम लोग इसी टाइम पर और इसी चैनल पर डे मैथ का क्यू सेक्शन लेकर आएंगे, एक से बढ़कर एक हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला मिला लीजिए, जो जो अपने आंसर को मिलाइएगा, नहीं मैच कर रहा होगा तो फिर से देखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग स्क्रीन पर है, देखिए और मिलाइए। क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 10। जितना लोग भी जुड़े हुए हैं बस क्वेश्चन को देखिए और बनाइए, क्योंकि हम लोग एक समय लिमिट के अनुसार बनाकर दिखाना होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि अनाज का एक व्यापारी नकली बाटों का प्रयोग करके 10% धोखा से खरीदता है और बेचते समय भी 10% का धोखा देता है, तो बताइए कि उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा। आप लोग के स्क्रीन पर है, देखिए और क्वेश्चन को बनाइए। प्रश्न में कह रहा है कि एक अनाज का व्यापारी कहीं जाता है खरीदने के लिए, तो वहाँ भी 10% का घोटाला करता है और फिर बेचने समय भी 10% का घोटाला। देखा जाए ना, जब वो घोटाला कर रहा है व्यापारी, तो व्यापारी को कहीं ना कहीं पर 10% का लाभ ही ना मिल रहा है, और बेचते समय भी 10% का जो घोटाला कर रहा है तो वहाँ भी 10% का लाभ ही ना कमा रहा है, और तब हो जाएगा 10 × 10/100। इसके हिसाब से हमको पता चल रहा है कि 20 प्लस में 1 बराबर 21%, यानी कि जो व्यापारी था अपना कुल खरीद बिक्री में 21% का लाभ कमा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा ए। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं जल्द से जल्द इसको मिलाइए, और आज के क्यू सेक्शन में हम लोग इतना ही रहने दिए जाए। अगला दिन और अगला समय पर इसी समय पर हम लोग इसी चैनल पर लेकर जो आएंगे अगला टेस्ट आईडी को, ठीक है। इतना ही तक रन दिया जाए, ठीक है, गुड नाइट।